नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज ये प्रैक्टिस सेट बात करते हैं। 5 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आज 250 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से 5000 क्वेश्चनों तक हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन होगा वो आपसे जल्दी छूटेगा नहीं। सारे अच्छे क्वेश्चनों पर हम लोग बात कर लेंगे और इसके बाद में UPTGT का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही अहम ये सिलसिला होने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, ऑब्जेक्टिव वाला जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की उर्दू में, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ से सारी ये आपको सीरीज मिल जाएगी जो लगातार चल रही है, या रोज़ एक डोज वाली सीरीज में जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बाद देखिए पहला सवाल हम देखते हैं, हयात जावेद किसकी सवाना है? हयात है तो आपका जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान की। पूछा जाए किसने लिखा है तो इसको लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। सवाल नंबर दो है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? तो आपका जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान ने। पूछा जाए कहाँ कायम की थी तो गाज़ीपुर में। किस सन में? 1864 में। अल फारूक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा ये जो है वो शिबली नौमानी है, अल फारूक है, अल मामून है, या इसके बाद में मवाजना अनीसो दवीर है। ये तमाम किताबें जो हैं वो शिबली नौमानी की हैं। सवाल नंबर चार है, अवध पंच कहाँ से शाया हुआ था? तो ये अखबार था और ये लखनऊ से निकलता था। इसको निकालने वाले जो हैं वो सज्जाद हुसैन, मुंशी सज्जाद हुसैन हैं। और इसके बाद में कौन सा मजमुआ कलाम इकबाल का नहीं है? अगर ये सवाल आपके सामने है तो बांगे दरा इनका पहला है, तीसरा मजमुआ इनका ज़रब कलीम है, और ये जो है जिंदा नामा ये मजमुआ कलाम है शायरी का, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ का है। इसके बाद में नून मीम राशिद की शोहरत किस सिनफ सुखन के लिए है? तो आपको पता होना चाहिए आज़ाद नज़म के लिए बहुत ही मशहूर हैं नून मीम राशिद। नज़र मोहम्मद राशिद इनका असल नाम है, इनका तखल्लुस गुलाब है, और साथ साथ में ये भी याद रखना है इनको जिन्स का मरीज़ भी कहा जाता है, हल्का अरबाब से ये जुड़े हुए हैं। इतनी बातें याद रखिए। तनकीदी इशारे किसकी किताब है? तो आपका जवाब होना चाहिए आल अहमद सुरूर की है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र अगर पूछा जाता है तो कलीमुद्दीन अहमद का नाम आप याद रखें। सवाल नंबर आठ है, इकबाल कामिल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए सुलेमा इनका जो इकबाल कामिल की जो किताब है, इस किताब को लिखने वाले अब्दुल सलाम नदवी हैं। सवाल नंबर नौ है कि सबरस किस ज़बान में लिखी गई है? आपका जवाब होगा दखनी में ज़बान में लिखी गई है। पूछा जाए कब लिखी गई? 1635 में लिखी। किसने लिखी? मुल्ला वजीह ने लिखी है। और इसके बाद में मुल्ला वजीह ने लिखी किस बादशाह के दौर में लिखी है? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह का नाम आपको याद रहे। सवाल नंबर 10 देखिए, शिबली नौमानी की सीरतुन्नबी किसने मुकम्मल की है? तो इनके शागिद हैं सैयद सुलेमान नदवी, इन्होंने इसकी 4 जिल्दें मुकम्मल की हैं और 2 जिल्दें जो हैं वो शिबली ने खुद लिखी थी। इस तरह से कुल मिलाकर इसकी 6 जिल्दें हैं। मारकसी तनकीद की इब्तदा किस दौर में हुई? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए मारकसी और तरक्की पसंद एक ही चीज़ है। तो आप किस पे निशान लगाएंगे? तरक्की पसंद तहरीक पे लगाएंगे। अगर सवाल पूछा जाता है ये देखिए, सैफुल मलूक बदीर जमाल का मुसन्निफ़ कौन है, ये इसको यानी किसने लिखा है? तो आपको इसका नाम याद रहे गवासी ने लिखा था, दक्कन में ये लिखी गई दास्तान है। इसके बाद में सवाल नंबर 13 है, फ़िक्रो निषाद किसके कलाम का मजमुआ है? तो आपका जवाब होगा जोश मलिहाबादी का ये मजमुआ कलाम है शायरी का, और साथ साथ में यादों की बारात इनकी खुद नविश्त का नाम है जोश मलिहाबादी की। और अगर आपसे पूछा जाता है ये किस सन में पैदा हुए हैं, तो ये 1896 में पैदा हुए, इनका इंतकाल 1982 में हुआ है, और शोला शबनम भी इनकी शायरी का मजमुआ ही है। आगे देखिए, जुज कहकर कुल का मुराद लेना तारीफ़ किसकी जेल में से किस में आती है, यानी जुज का खाली इस्तेमाल किया गया एक शब्द को, एक जुमले को, और मुकम्मल बात को इस्तेमाल मुराद ले ली गई है, तो हिजाज मुरसल जो है इसमें इस्तेमाल होता है, ये सनात है। इसके बाद में रामायण का एक सीन किसने लिखा है? अगर ये पूछा जाता है तो ये एक नज़्म है, मुसद्दस की हैयत में लिखी है, और इसको ब्रज नारायण चकबस्त ने लिखा है। इसके बाद में सवाल नंबर 16 है कि खोजी किस का किरदार है? तो फसाना आज़ाद का किरदार है। फसाना आज़ाद 1880 में शाया हुई, 1880 में ही मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए हैं, 1880 में आब हयात भी शाया हुई है। इस तरह से आप याद रखें। आगे देखिए, शरीफ ज़्यादा किसका नाविल है? तो ये नाविल है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्बा का है, और इन्हीं का लिखा हुआ उमराव जान है जो 1899 में लिखा था।
इसके बाद में मंदरजा ज़ेल शेर की सिन्फ तहरीर कीजिए, यानी ये शेर दिया गया है, इसमें से किस सिन्फ का इस्तेमाल, किस सिफ्त का इस्तेमाल किया गया है, सॉरी किस सिफ्त का इस्तेमाल किया गया है, तो ये शेर पहले देख लीजिए। तेरे रुखसार कदो चश्म के आशिक ज़ार, गुल जुदा सर जुदा नरगिस बीमार जुदा। तो इसमें आप क्या जवाब देंगे, ये है लफ़ो नसर मरतब। और अगर अगले वाले मिसरे में एक ही लाइन में पूरी बात कह दी जाए, टुकड़ों में ना कही जाए, तो वो तब हो जाएगा लफ़ो नसर गैर मरतब। कसीदा किस जबान का, किस लफ्ज़ से मुश्तहक है, तो ये कस से निकला हुआ है और ये फारस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू में लफ्ज़ नाविल किस जबान से आया है, तो ये आया है बरतानवी ज़बान से आया है, बरतानवी ज़बान से तालबी ज़बान में हुआ, तालबी ज़बान इसी से नावेला से निकलकर ये उर्दू में शामिल हो गया अंग्रेज़ी के ज़रिए। इसके बाद में सवाल नंबर 21, तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की थी, तो मुंशी सज्जाद ज़हीर ने की थी और इसकी बुनियाद 1935 में पड़ी। इसका पहला जलसा जो है वो 1936 में हुआ, जिसका सदारत मुंशी प्रेमचंद जी ने की। इसके बाद में सवाल नंबर 22 है, लिसानियात में मुमताज़ हैसियत रखते हैं, यानी लिसानियात के लिहाज से कौन मुमताज़ हैसियत रखता है, तो इसमें सीधा जवाब आपका होना चाहिए कि प्रोफेसर मसूद हुसैन साहब जो हैं वो लिसानियात के ही माहिर हैं। इसके बाद में क्या उसे 100 बरस आने वाले के, क्या उसे 100 बरस आगे आने वालों की बातें सुनाई देती थीं, जो कुछ कहा साफ वही मुहावरा और वही गुफ्तगु है जो अब हम तुम बोल रहे हैं। ये इबारत मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब शाबे हयात से है। तो ये किस मसनवी के लिए उन्होंने कहा है, तो ये है मसनवी सहरुल बयान। इसके बाद में कुनूतियत के लिए कौन मशहूर है, तो जदीद में अगर पूछा जाता है तो फ़ानी हैं, और कदीम अगर शायरों में पूछा जाता है तो मीर तकी मीर हैं। खेती किसका ड्रामा है, तो ये ड्रामा जो है मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ ड्रामा है खेती। अगर सवाल नंबर 36 देखिए, 26 मसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम किस सन में शाया हुई, तो आपका जवाब होने वाला है 1889 में। इसके बाद में तरतीब ज़बान के लिहाज से सही पर निशान लगाइए, तो आपका जवाब होगा मीर तकी मीर, क्योंकि मीम सबसे बाद में आता है, आप इसमें से मिला लीजिए, अलिफ पहले आएगा, फिर इस तरीके से जैसे अलिफ वे के हिसाब से आप इसको ढूंढेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 28, किसने कहा है कि हिंदुस्तान में दो अलहामी किताबें हैं, एक बैद मुक़दस है और दूसरी दीवान गालिब है, तो ये जवाब आपका होगा खलीलुर्रहमान आज़मी। इसके बाद में 29 नंबर सवाल है, मौलवी बाकर ने कौन सा रिसाला या कौन सा अखबार जारी किया, ये पूछा जाता है, तो 1836 में इन्होंने दिल्ली अखबार जारी किया था। इसके बाद में सवाल नंबर 30 है, अब्दुल कलाम आज़ाद किससे ताल्लुक़ है, यानी जो ऑप्शन नीचे दिए गए इनमें से किससे ताल्लुक़ है, तो याद रहे कि अल हिलाल और अल बलाग दोनों रिसाले इन्हीं के हैं। इसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद नहीं, इससे पहले सवाल देखिए 31 नंबर सवाल है, इनमें से मुहक्किक कौन है, तो आप देखिए ये सारे इसमें तनकीद निगार हैं, लेकिन इसमें काजी अब्दुल वदूद जो हैं वो मुहक्किक हैं। सवाल नंबर 32 देखिए, आसमा ए आसमा किसके कलाम का इंतखाब है, तो आसमा ए आसमा जो है वो खलीलुर्रहमान आज़मी जो हैं उन्हीं का है। इसके बाद में सवाल नंबर 33 देखिए, सवाल नंबर 33 है, कारे जहाँ दराज है कि मुसन्निफा का नाम क्या है, तो ये एक नावल है और ये नावल कुरतुल ऐन हैदर का है, और इसको इन्होंने ये जो कारे जहाँ दराज है ये इन्होंने मिसरा लिया है, मिसरे का टुकड़ा है अल्लामा इकबाल के। आगे है तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफिया ना हो, तो वो कौन सी नज़्म होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नज़्म मौर्रा है। नज़्म आज़ाद में हर तरह की आज़ादी होती है, नज़्म पाबंदी में हर तरह की पाबंदी होती है। इसके आगे देखिए, उर्दू कवायद की पहली किताब का नाम बताइए, तो दरियाए लताफत है जो फ़ारसी में लिखी गई है, उर्दू कवायद की पहली किताब मानी जाती है, और इसको इंशाअल्लाह खान इंशा ने लिखा है। इंशाअल्लाह खान इंशा को दीवा जो है दबिस्तान लखनऊ का शायर तस्लीम किया जाता है, बहरहाल वो शायर नहीं थे, ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखें। ख्वाजा मीर दद्द का सन पैदाइश क्या है, तो कहीं पर 1720 मिलेगा, यहाँ पर 1719 दिया है, 1719 ही सही होगा। इसके बाद में इब्न सियासत किसकी नज़म है, तो यह अल्लामा इकबाल की नज़म का नाम इब्न सियासत है। इसके बाद में सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है, तो ये है लाजवंती का, और लाजवंती अफसाना लिखा हुआ किसका है, तो
यह राजेंद्र सिंह बेदी का, और राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए थे। राजेंद्र सिंह पहले अपना शायरी करते थे तो मोहसिन लाहौरी का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। अगर पूछा जाता है कि दरबारी लाल और सुंदर दरबारी लाल और बिहारी लाल किस अफसाने का किरदार है, तो वो अफसाना है बब्बल, और वो भी लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी ने। हलक में दर्द होने लगता है। इसके बाद 39 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर के शागिर्द थे, तो बहादुर शाह जफर किस शायर के शागिर्द थे, तो ये आपका जवाब होने वाला है शेख इब्राहिम ज़ौक, शेख इब्राहिम ज़ौक के ये शागिर्द थे। सवाल नंबर 40, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है, अलीगढ़ तहरीक ये भी 19वीं सदी, और उसके बाद की तहरीक तरक्की पसंद पूछी जाती है, तो वो 20वीं सदी है। गज़ल की तहत और उस और किस सिंफ में इस्तेमाल की जाती है, तो ये कसीदा जो है इसमें भी गज़ल की हैयत चलती है, या ऐसे कह लीजिए कसीदे के जो अज्जाए तरकीबी हैं उनमें से गुरेज जो होता है उसी से गज़ल निकली हुई है। तस्करा गुलशन बेखार के लेखक कौन है, यानी मुसन्निफ़ कौन है, तो ये हैं मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता। और अगर गुलशन हिंद पूछा जाता है तो आप मिर्ज़ा लुत्फ़ को नाम बताएँगे। आगे देखिए दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में किसने कायम की थी, तो शिबली नौमानी ने, शिबली नौमानी आजमगढ़ में ही पैदा हुए थे 1858 में। इसके बाद में हुस्नो दिल किस दास्तान का किरदार है, किसको नहीं पता हो, वो जिसको नहीं पता है वो समझ लीजिए बहुत ही पीछे है, तो यह किरदार किसका है, सबरस। हुस्नो दिल किसका किरदार है, तो हुस्नो दिल किरदार जो है वो सबरस का है। इसके बाद में मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, ये मिसरा किसका है, तो ये मिसरा है अनीस का। इसमें फसाहत है, फसाहत जहाँ पे होती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो अनीस हैं। इसके बाद में ताई असीरी किसका अफसाना है, ताई असीरी किसका अफसाना है, तो आपका जवाब होगा ये है कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र का भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। इसके बाद में सबको सबू किस शायर किसका शेरी मजमुआ है, तो ये है जोश मलिहाबादी। इसके बाद में आगे देखिए आतिश किसके शागिर्द थे, तो आतिश किसके शागिर्द थे बताइए अगर आपको पता है, अरे मसहफ़ी भाई आतिश जो हैं इन्हीं के शागिर्द हैं। किस शायर का खिताब नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निजाम जंग है, तो ये आपका जवाब होना चाहिए मिर्ज़ा गालिब, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब के बारे में पूछा जाता है। मिर्ज़ा गालिब 1797 में पैदा हुए, 1869 में इनका इंतकाल हुआ, और इनकी दीवान गालिब जो सबसे पहली किताब है इनकी, वो मजमुआ दीवान, वो 1841 में सबसे पहले शाया हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, उर्दू मौला और औदे उर्दू इनके दो जो हैं वो खतूत के मजमुए हैं। सवाल नंबर 50 लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 50 है कि शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, तो शायर इनकलाब, शायर नौजवान, शायर शबाब, शायर ये तमाम तरह के खिताब जो हैं वो जोश मलिहाबादी के हैं। जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए थे, याद रहे 1896 ही पैदाइश फ़िराक गोरखपुरी की भी है। उम्मीद करता हूँ आज का इंतखाब आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपके साथी हैं, आपकी अगर भलाई आप चाहते हैं, तो उनको शेयर कर दीजिए, इवन कोई बात नहीं है, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।